भोजपुर में एक बार फिर दहेज की खातिर एक विवाहिता को जान से हाथ धोना पड़ा। घटना जगदीशपुर के महटाटी गांव की है। मृतका का नाम सुनीता देवी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से जगदीशपुर के नेउर पोखर गांव निवासी सुनीता की शादी 10 साल पहले महटाटी निवासी नंद किशोर यादव के साथ हुई थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक शादी के बाद नंद किशोर अक्सर पैसे की खातिर सुनीता के साथ मारपीट किया करता था, जिसके बाद सुनीता के मायके वालों ने नंद किशोर को पैसा देकर एक ऑटो खरीद दिया था। नंद किशोर ऑटो चलाने का काम किया करता था। मृतका के बेटे के मुताबिक सोमवार की देर रात नंद किशोर शराब के नशे में घर पहुंचा और सुनीता से पैसे लाने की बात को लेकर झगड़ा करने लगा। सुनीता के विरोध करने पर नंद किशोर ने उसके सर पर घरेलू गैस का छोटा सिलेंडर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नंद किशोर सहित ससुराल के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतका के बेटे की सूचना पर मौके पर पहुंची मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतका के बेटे के बयान पर मृतका के पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी में लगी है। क्या दहेज में पहले भी मांगता था कुछ? वो गाड़ी दिया था हम मोटरसाइकिल। अच्छा, फिर लड़की का लड़की में रुपया रहा तो रिकॉर्ड करे कला का टंकी खरीदे। अच्छा अच्छा, कब शादी किए थे? शादी किया है अरे 10-12 साल हुई है शादी की। कै गो बच्चा है? एक बच्चा, एक ही है। क्या नाम था? उनका नाम सुनीता। सुनीता, और वो आपके दामाद का? दामाद का नाम किशोर। नाम किशोर यादव। कौन गाँव में शादी किए थे? महाटाटी। रहने वाले कहाँ के आप लोग? हम लोग नेउर पोखर। नेउर पोखर, ठीक ठीक। अपना नाम बताइए। मम्मी को कौन मारा? पापा। पापा, घर में और कौन कौन था? बड़की मम्मी, एक दूसरा का बड़की। दादा दादी भी थे क्या? हाँ। तो मारने के बाद वो लोग भाग गया? सब लोग भाग गया लोग। किस लिए मारा लोग, कुछ पता चला? तुम तो वही थे घर में, क्यों पापा गुस्सा थे? दारू पी के आए थे ना, तो मच्छर लेके आए थे ना, तो वही खा रहे थे ना, तो मम्मी रो रही थी, तो पूछे आई थी, तो ऐसे कॉल मम्मी ने कि आप आपने पूछो एक मारते हुए सिलेंडर उठा लो दिमाग पटक दिला बड़ा वाला सिलेंडर। ठीक है, अपना नाम बताओ। सुनते पटक दिला बड़ा वाला सिलेंडर।